हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं अनुराधा कश्यप, आप सबकी बायोलॉजी की मेंटर। आज इस वीडियो में मैं आपको लैकोपिरोन इन प्रोकैरियोट के बारे में बताऊंगी। लैकोपिरोन एक ऐसा सिस्टम है जो बेसिकली यूज़ किया जाता है जीन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? तो जब हम इस कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, नॉलेज गेन करने के लिए थोड़ा सा इधर उधर की बातें, चीज़ें जो हैं इसमें समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ कर लेते हैं, हमारे पास एक सेल होती है, सबको पता है हमारे पास एक सेल है, हमारी बॉडी ही सेल से बनी हुई है। एंड उस सेल के अंदर आपको पता है कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड हर एक न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि डीएनए प्रेजेंट होता है, राइट? तो मेरे पास हर एक सेल के अंदर 46 जीन होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे, यानी मेरा जो डीएनए है वो 46 क्रोमोसोम की फॉर्म में पैक है। एंड हर एक क्रोमोसोम में मेरे पास जो डीएनए है उसमें बहुत सारे ऐसे सेगमेंट होंगे जिनको मैं जीन बोलती हूँ, और उन जीन का हर एक जीन का अपना अपना एक एक्सप्रेशन होगा, और उन एक्सप्रेशन से ही हमारे पूरे फिनोटाइप आते हैं। सपोज करते हैं मैं दो जगह की सेल का कंसिडर करके आपको बताती हूँ। सपोज़ करते हैं मेरे पास एक आई कलर है, एंड मेरा जो आई कलर है वो ब्लैक है। अब जो मेरी आई की सेल्स हैं उनमें जो मेरा जीन है जो ब्लैक कलर के रिस्पॉन्सिबल है वो ज़्यादा इन्हेंस हुआ होगा, जिसकी वजह से उसका एक्सप्रेशन ज़्यादा हुआ होगा, जिसकी वजह से मेरा कलर जो है आई का वो क्या हुआ है, ब्लैक हुआ है, राइट? अब मैं मान लेती हूँ वही कलर का जीन मेरे पास स्किन में भी प्रेजेंट होगा, स्किन की सेल्स जो होंगी उनके अंदर भी जो डीएनए है उसमें भी वो जीन प्रेजेंट होगा, लेकिन वो जीन मेरे पास स्किन में एक्सप्रेस नहीं हुआ है, इसीलिए मेरे पास वहां पे उसका कंट्रोल क्या है, कम है। मतलब उसका एक्सप्रेशन लेवल क्या है, कम है। और जब जीन का एक्सप्रेशन लेवल कम है, इसका मतलब वहां पे वो जीन एक्सप्रेस कम हो रहा है, तो वो फिनोटाइप भी नहीं आया है। कहने की बात ये है कि हर एक जो जीन है वो हर एक सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे एक्सप्रेस हो रहा है। चलो एक चीज़ और समझते हैं, समझने के लिए मान लेते हैं इंसुलिन का जीन होता है। सबको पता है कि इंसुलिन का जीन क्या है, दिस इज़ द जीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लूकोज मेटाबोलिज्म, करेक्ट? ग्लूकोज को मेटाबोलिज्म को अगर हमें सही रखना है तो हमारे लिए इंसुलिन का होना ज़रूरी है। अब जो इंसुलिन जीन है वो मेरी बॉडी की जितनी भी सेल्स है सब में प्रेजेंट होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? क्रोमोसोम नंबर 11 पे वो प्रेजेंट होगा, राइट? लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो इंसुलिन है, इंसुलिन एक पेप्टाइडल हार्मोन है जो कंट्रोल करता है ग्लूकोज को, लेकिन उसका जो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन है वो कहाँ से आता है? वो आता है पेनक्रियाज की बीटा सेल से। बीटा सेल के अंदर जो इंसुलिन का जीन है वो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ से इंसुलिन का पेप्टाइडल हार्मोन बन रहा है। वो जीन मेरे पास स्किन में क्यों नहीं ज़्यादा एक्सप्रेस हो गया, मेरे पास वो मेरी आइज़ के अंदर क्यों ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं हो गया? इसका मतलब कहने का ये है कि स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो मेरी स्किन पे ही ज़्यादा क्यों अपने आप को एक्सपोज करती हैं, उनका एक्सप्रेशन स्किन पे ही क्यों ज़्यादा आता है? तो कहने का ये मतलब है कि हर एक सेल के अंदर जीन सारे होते हैं, लेकिन कुछ जीन का एक्सप्रेशन कहीं पे ज़्यादा होता है और कहीं पे कम होता है। तो इस एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम रन होते हैं उन्हीं सिस्टम में से एक सिस्टम है हमारे पास लैकोपिरोन सिस्टम। लेकिन ये जो लैकोपिरोन सिस्टम है ये सिस्टम हमारे अंदर रन नहीं करता, ये रन करता है प्रोकैरियोट के अंदर। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा लैकोपिरोन इन प्रोकैरियोट, क्योंकि आपके सिलेबस में जो जीन रेगुलेशन है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, बट आपके सिलेबस में उसको सिर्फ प्रोकैरियोट तक ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो आज हम सिर्फ प्रोकैरियोट के अंदर जीन का रेगुलेशन कैसे होता है उसको पढ़ेंगे, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट किसको पढ़ेंगे, लैकोपिरोन सिस्टम, मतलब एक लैक्टोज है उसका एक्सप्रेशन, उसके होने से और उसके ना होने से जो जीन है उनके लेवल पर क्या क्या जो है इफेक्ट आता है, वो चीज़ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास क्या है, बेसिकली मेरे पास मुझे जीन का रेगुलेशन पढ़ना है। तो आज जो हम डील कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली द लैकोपिरोन इन प्रोकैरियोट। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास जीन रेगुलेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीन रेगुलेशन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, जीन रेगुलेशन। और ये जीन रेगुलेशन भी हम किसके अंदर पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट के अंदर। जीन रेगुलेशन जो है हम पढ़ने जा रहे हैं इन प्रोकैरियोट। यूकैरियोट को भूल जाओ, प्रोकैरियोट, ठीक है? इस चीज़ को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ। वैसे तो आपको आता होगा बट थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। दैट इज सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल डोगमा बेसिकली जो डीएनए होता है उस डीएनए से बनता है एमआरएनए, एंड एमआरएनए से बनती है प्रोटीन,
ये सबको पता है, डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए एमआरएनए, और एमआरएनए से बनती है प्रोटीन। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। सो ये है आपका सेंट्रल डोगमा, क्लियर। जो प्रोटीन है, प्रोटीन को बेसिकली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे जो एंजाइम हम बनाते हैं वो भी प्रोटीनेशियस इन नेचर ही होते हैं। तो चाहे मैं एंजाइम बोलूँ, चाहे मैं प्रोटीन बोलूँ, इतना याद रखना कि यहाँ पर आपके लिए जो एंजाइम है वो सारे प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, सेंट्रल डोगमा हमने पढ़ा, लेकिन एक चीज़ और समझो कि हमारे पास जो प्रोकैरियोट है, मैं दोनों में डिफरेंशिएशन आपको बताती हूँ। जो प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट में जो डीएनए है उस डीएनए से बनेगा एक सिंगल एमआरएनए, सिंगल एमआरएनए, और इस सिंगल एमआरएनए से ही क्या बनेंगे, सिंगल एमआरएनए से ही बनेंगे डिफरेंट काइंड की प्रोटीन। सिंगल एमआरएनए से ही बनेंगी डिफरेंट काइंड की प्रोटीन। इसका मतलब जो एमआरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो सिंगल एमआरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट काइंड की प्रोटीन बनाने के लिए, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, ऐसे एमआरएनए को बोलते हैं हम पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। तो जो हमारे पास प्रोकैरियोट होते हैं उनमें पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए रन करता है, लेकिन जब हम बात करते हैं यूकैरियोट की तो यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट में जो डीएनए होता है, इन यूकैरियोट जो डीएनए होता है उससे बनते हैं एमआरएनए, डिफरेंट काइंड के एमआरएनए, और ये एक एमआरएनए सिर्फ एक प्रोटीन को कोड करता है, एक एमआरएनए सिर्फ एक प्रोटीन को कोड करता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, यानी एक ऐसा एमआरएनए जो सिर्फ एक प्रोटीन को एनकोड करे, दैट इज नोन एज मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमने जो बात करनी है वो हमने सिर्फ बात करनी है प्रोकैरियोट की, प्रोकैरियोट के बारे में, यानी हम जो करेंगे हम डीएनए से एमआरएनए बनवाएंगे एक सिंगल एमआरएनए, और वही सिंगल एमआरएनए डिफरेंट काइंड के प्रोटीन और एंजाइम बनवाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे। ये था बेसिक कंसेप्ट। इस चीज़ को, इस पिक्चर को मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले मैं आपको समझाती हूँ कुछ बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हमने सपोज कर लो एक मीडियम लिया, ठीक है। दो कंडीशंस हैं, अगर एक मीडियम के अंदर, इस मीडियम के अंदर मैंने इकोलाई को रख दिया, मुझे पता था कि इस मीडियम में क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, इस मीडियम में बहुत सारा ग्लूकोज प्रेजेंट है, एंड ये ग्लूकोज जो है, दिस इज द ग्लूकोज, और ये क्या है आपके पास, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसको मैं बोलती हूँ इकोलाई है। जब इकोलाई के पास ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इकोलाई क्या करेगी, इस ग्लूकोज को अपटेक कर लेगी एज एनर्जी सोर्स, अपटेक एज एनर्जी सोर्स, एज एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब चाहे इस ग्लूकोज के साथ साथ आप मीडियम में लैक्टोज भी ऐड कर दो, आपने लैक्टोज भी ऐड कर दिया, लेकिन इस लैक्टोज को इकोलाई नहीं फीड करेगी इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ग्लूकोज प्रेजेंट है, और जब ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है तो लैक्टोज को क्यों तोड़ने के लिए वो एनर्जी का यूज़ करेगी, क्यों किसी सिस्टम को ऑन करेगी, वो लैक्टोज को ऐसे ही पड़ा रहने देगी, जिसकी वजह से लैक्टोज अभी ऐसे ही रखा हुआ है, बट जो ग्लूकोज है उसको अपटेक कर लिया एज एनर्जी सोर्स। इस टाइम पर जो लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए जो सिस्टम है, जो लैक्टोज को तोड़ने वाला सिस्टम है, वो क्या है, ऑफ है, क्लियर। और इस सिस्टम को हम बोलते हैं, जो सिस्टम ऑफ है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं लैक ऑपेरोन सिस्टम, समझ में आया। तो इस टाइम पर ये जो सिस्टम है लैक ऑपेरोन, ये क्या है, दिस इज योर स्विच ऑफ सिस्टम, ये इस टाइम पर स्विच ऑफ है। अब आती है सेकंड कंडीशन। इस सेकंड कंडीशन में क्या होगा, इस सेकंड कंडीशन में अगेन मैंने क्या किया, एक मीडियम लिया, और इस मीडियम के अंदर जो था, अब की बार क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज ही लैक्टोज प्रेजेंट है, अब की बार एनर्जी के लिए ग्लूकोज इसके पास है ही नहीं, इसके पास ग्लूकोज एब्सेंट है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि इकोलाई के पास सिर्फ क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, एंड इस इकोलाई के पास एनर्जी सोर्स ग्लूकोज एब्सेंट है,
ग्लूकोज एब्सेंट है, ग्लूकोज एब्सेंट है, ऐसी कंडीशन में तो ईकोलाई के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पहले तो वो इस लैक्टोज को अपनी सेल के अंदर लेकर के आए, क्लियर। तो उसके लिए भी उसको एक एंजाइम को एक्टिव करना पड़ेगा, और दूसरा इस लैक्टोज को फिर वो क्या करे, ब्रेक करे। तो जब ब्रेक करेगी तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो इस ग्लूकोज और गैलेक्टोज को बनाने के लिए उसको लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब उसको फिर से एक एंजाइम को क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। तो ये ग्लूकोज को तभी जा करके वो क्या कर सकती है, एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ कर सकती है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब लैक्टोज है, ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में ईकोलाई को पहले तो इस लैक्टोज को जो मीडियम में पड़ा हुआ है इसको अंदर लाने के लिए एक एंजाइम को एक्टिव करना पड़ेगा, और दूसरी कंडीशन में जब लैक्टोज सेल के अंदर पहुंच गया तो उस लैक्टोज को तोड़ने के लिए, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने के लिए एक और एंजाइम को एक्टिव करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे पास ईकोलाई की बॉडी के अंदर जो DNA है वहाँ पर एक सिस्टम रन होगा। तो उस सिस्टम को देखते हैं, वो सिस्टम कैसे रन होगा। तो चलिए हम दो केस बनाते हैं, ठीक है। पहला केस बनाते हैं, फर्स्ट केस क्या है, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, जब लैक्टोज जो है वो एब्सेंट है, और अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होगा। ग्लूकोज मान लो आपने दे रखा है, तो ग्लूकोज जब ईकोलाई को दे रखा है तो उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है लैक्टोज की, तो ग्लूकोज इज प्रेजेंट, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है इन हाई अमाउंट, ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन हाई अमाउंट, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो आपके पास ईकोलाई है उसकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम रन होगा। सिस्टम कैसे रन होगा, देखिए इस तरीके का एक सिस्टम होगा, उसकी बॉडी के अंदर आपको मिलेंगे कुछ जीन, और वो जीन मिलेंगे बैक टू बैक, एक के बाद एक मिलने वाले हैं, जिसमें मान लेते हैं एक होगा प्रमोटर, फिर दूसरा होगा इनहिबिटर, फिर एक और होगा प्रमोटर, और फिर एक होगा ऑपरेटर, और फिर लाइन से तीन जीन होंगे, याद रखना लाइन से तीन जीन होंगे, जिनको हम बोलेंगे लैक जेड जीन या जी जीन भी बोल सकते हो, दूसरा होगा लैक वाई जीन, लैक वाई, और थर्ड होगा लैक ए। लैक का मतलब क्या है यहाँ पे, लैक्टोज। अब क्योंकि लैक्टोज तो एब्सेंट है, तो लैक्टोज जब एब्सेंट है तो जो प्रमोटर है, प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आएगा, और ये आरएनए पॉलीमरेज आएगा, और प्रमोटर क्या करेगा, आई जीन को बोलेगा कि चल तू एक्सप्रेस हो जा, और आई जीन खुद को एक्सप्रेस करके एक एमआरएनए बनाएगा, ये एमआरएनए होगा रिप्रेसर एमआरएनए। इस रिप्रेसर एमआरएनए से बनेगी एक प्रोटीन, जिसको हम बोलेंगे रिप्रेसर प्रोटीन, इसको हम बोलेंगे रिप्रेसर प्रोटीन, क्योंकि आपके पास मीडियम में रिप्रेसर प्रोटीन, मीडियम में सिर्फ ग्लूकोज है, लैक्टोज नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कुछ बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लैक्टोज बाइंड हो सकता है, और लैक्टोज तो आपने दे ही नहीं रखा, तो लैक्टोज तो नहीं बाइंड होगा क्योंकि लैक्टोज एब्सेंट है। तो ये क्या करेगी, ये रिप्रेसर प्रोटीन जाएगी और जाकर के ऑपरेटर के साथ हो जाएगी बाइंड, ये जाएगी और जाकर के ऑपरेटर के साथ हो जाएगी बाइंड, और जैसे ही ऑपरेटर के साथ बाइंड हुई तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड, जिसकी वजह से अब की बार जो आरएनए पॉलीमरेज को आना था, वो आरएनए पॉलीमरेज जाकर के जिसको ऑपरेटर के साथ जुड़ना था, वो आरएनए पॉलीमरेज अब बाइंड नहीं हो पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर के साथ अगर बाइंड नहीं हुआ तो इन तीनों जीन का एक्सप्रेशन रुक जाएगा, इसको हम बोलते हैं तीन जीन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। तो जब इन जीन का एक्सप्रेशन रुक गया तो इस एक्सप्रेशन के रुकने की वजह से ना तो ये इसका कोई एमआरएनए बनेगा, ना ही इसका कोई एमआरएनए बनेगा, और ना ही इसका कोई एमआरएनए बनेगा। तो जब एमआरएनए ही नहीं बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से, तो ऐसी कंडीशन में कोई एंजाइम नहीं बनेगा, नो एंजाइम, और जब एंजाइम ही नहीं बनेगा तो नो ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज, तो लैक्टोज जो था वो टूटेगा ही नहीं, नो लैक्टोज ब्रेक डाउन। क्यों हमने उसको ब्रेक डाउन करवाना भी क्यों था, जब ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है तो जो ईकोलाई है वो इजीली ग्लूकोज को अपटेक कर लेगी, ऐसे कंडीशन में उसको लैक्टोज को तोड़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, इसीलिए इस टाइम पर जो ये सिस्टम होगा, ये पूरा सिस्टम, इसको हम बोलते हैं इस टाइम पर लैक ओपेरोन सिस्टम इज स्विच ऑफ, इसको हम बोलेंगे स्विच ऑफ। ठीक है,
ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम ओपेरोन क्या होता है। ओपेरोन कुछ नहीं होता, ओपेरोन इज बेसिकली क्लस्टर ऑफ जीन। जब बहुत सारे जीन एक साथ लगे हुए होते हैं, जैसे ये एक ओपेरोन है, लेग जेड, लेग वाई, लेग ए एक साथ लगे हुए हैं, तो हम इसको बोल देते हैं ओपेरोन। ओपेरोन इज बेसिकली व्हाट? ओपेरोन इज क्लस्टर ऑफ जीन। ओपेरोन इज क्लस्टर ऑफ जीन। समझ में आई इतनी बात? तो यहाँ पे तो ये एबसेंट है, और ये जो पूरा सिस्टम था लैक ओपेरोन का सिस्टम, ये जो था सिस्टम, दिस सिस्टम इज गिवन बाय जैकोब एंड मोनोड। जैकोब एंड मोनोड, ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1961 में। क्लियर? अब सेकंड केस मैं कंसिडर करके चल रही हूँ। सेकंड केस मान लेते हैं, सेकंड केस है हमारे पास जब मेरे पास लैक्टोज बहुत ज़्यादा है मीडियम में, लैक्टोज मीडियम में ज़्यादा है, लैक्टोज जो है मीडियम में क्या है, ज़्यादा है, हाई है, एंड ग्लूकोज है ही नहीं, ग्लूकोज एब्सेंट, ग्लूकोज एब्सेंट। इस कंडीशन में क्या होगा? अगेन ये जो सिस्टम है, ये जो लैक ओपेरोन सिस्टम मैंने अभी बताया था आपको, ये सिस्टम जो है ये रन करेगा, लैक ओपेरोन सिस्टम अगेन रन होगा। ओके ओके, गिव मी वन सेकेंड। ठीक है, तो ये सिस्टम फिर से क्या होगा? रन होगा। इस सिस्टम में आपके पास वही सेम यूनिट्स होंगी। पहली होगी आपके पास प्रमोटर, दूसरी होगी, प्रमोटर जो है वो इस आई जीन के लिए है, सेकंड प्रमोटर जो है ये आपके ओ ऑपरेटर जीन के लिए है, और फिर आपके पास सीरीज में ओपेरोन चलता है जेड वाई एंड ए। ठीक है, ये है आपकी बात। लैक्टोज बहुत है, तो जब लैक्टोज बहुत ज़्यादा है तो हुआ क्या? अगेन आपके प्रमोटर ने आई जीन को कहा कि चल एक्सप्रेस कर खुद को, तो आई जीन ने खुद को एक्सप्रेस किया, और जैसे ही आई जीन ने खुद को एक्सप्रेस किया, रिप्रेसर एमआरएनए बना। अगेन सेम चीज़ हुई, रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बनी। ठीक है, लेकिन 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 इस बार रिप्रेसर प्रोटीन के पास बाइंड होने के लिए क्या प्रेजेंट है? आपके पास मीडियम में प्रेजेंट है लैक्टोज, लैक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड ये जो लैक्टोज है ये जाकर के इसके साथ क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। इस लैक्टोज को आप बोलोगे इट विल एक्ट एज अ इंड्यूजर। इस लैक्टोज के अलावा और कौन इंड्यूजर की तरह काम कर सकता है? एलो लैक्टोज। एलो लैक्टोज हो चाहे लैक्टोज हो, दे विल एक्ट एज इंड्यूजर, ग्लूकोज इंड्यूजर की तरह काम नहीं कर सकता। अब ये जो बना, ये रिप्रेसर प्रोटीन और जो लैक्टोज का कॉम्प्लेक्स बना ना हो, इसकी वजह से ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो गई? इनएक्टिव हो गई, इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये अगर इनएक्टिव हो गई, इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, जब ये इनएक्टिव हो चुकी है तो इस कंडीशन में ये जाकर के कहाँ बाइंड नहीं होगी? ये इस ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो पाएगी। और अब की बार ऑपरेटर पर अगर ये बाइंड नहीं हुई तो ऑपरेटर के ऊपर आकर के कौन बाइंड हो जाएगा? ऑपरेटर के ऊपर आकर के आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पर आकर के बाइंड हो जाएगा, और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा तो ये जीन भी खुद को एक्सप्रेस करेगा, ये जीन भी खुद को एक्सप्रेस करेगा, और ये जीन भी खुद को एक्सप्रेस करेगा। तीनों से बनेगा एक कॉमन एमआरएनए, क्योंकि हमें पता है प्रोकैरियोट में एक ही एमआरएनए बनता है जो डिफरेंट प्रोटीन को क्या करता है? एनकोड करता है। तो यहाँ से इसके पास जो ट्रांसलेशन से प्रोटीन आएगी वो एक प्रोटीन बनेगी, एक प्रोटीन वाई जीन के एक्सप्रेस होने से बनेगी, और एक प्रोटीन बनेगी ए जीन के एक्सप्रेस होने से। इस तरीके की प्रोसेस को हमने क्या बोला था? जब जीन से एमआरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनी तो ट्रांसलेशन, और इस पूरी प्रोसेस को हमने बोला था पॉलीसिस्ट्रोनिक। जब हमारे पास एक ही एमआरएनए बहुत सारी प्रोटीन को एनकोड करता है उसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। अब ये डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोटीन आई हैं, इन डिफरेंट प्रोटीन का काम देखते हैं। पहली जो प्रोटीन है ये एक्ट करेगी एक एंजाइम की तरह, जिसको हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसको हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। दूसरा जो होगा इसको हम बोलते हैं परमीएज। वाई जीन से जो बना इसको हम बोलते हैं परमीएज, और जो जेड जीन से बना इसको हम बोलते हैं ट्रांस एसिटाइलेज। इसको हम बोलते हैं ट्रांस एसिटाइलेज,
ट्रांस एसिटाइलेज, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम देखो, अब मैंने आपको पहले भी कहा था ना यहाँ पे, जब मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे जो लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है उसको पहले तो अपटेक करेगी ना कोई इकोलाई, और उसके बाद उसको तोड़ेगी। तो पहले जब इसको अपटेक करेगी तो वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा एंजाइम होगा, उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा परमीएज। परमीएज क्या करता है, बेसिकली इंक्रीज द परमीएबिलिटी, इंक्रीज द परमीएबिलिटी ऑफ व्हाट, इंक्रीज द परमीएबिलिटी ऑफ सेल टू अपटेक मोर लैक्टोज, टू अपटेक मोर लैक्टोज। तो ये क्या करेगी, मोर लैक्टोज को अपटेक करेगा। अब सेल इकोलाई ने बहुत ज़्यादा लैक्टोज अपटेक कर लिया, अब एक्टिव हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये सेल के अंदर क्या करेगा, ये लैक्टोज को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, लैक्टोज को ब्रेक करेगा, सॉरी लैक्टोज को ब्रेक करेगा किस किस यूनिट के अंदर, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये ब्रेक करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, और जब इनके अंदर ब्रेक करेगा तो ग्लूकोज अगेन अवेलेबल हो जाएगा इकोलाई के लिए, विच एक्ट एज अ सोर्स, किसका सोर्स, एनर्जी सोर्स। तो ग्लूकोज से अब इकोलाई को फिर से एनर्जी मिल जाएगी और इकोलाई क्या हो जाएगी, सर्वाइव रहेगी। ठीक है, अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनता तो लैक्टोज नहीं टूटता ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, जिसकी वजह से इकोलाई को एनर्जी नहीं मिल पाती और एनर्जी की डेथ, इकोलाई की डेथ हो जाती। ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन अभी तक नोन नहीं है, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है कि टिल नाउ इसका फंक्शन जो है नॉट नोन, इसका फंक्शन अभी तक एज सच पता नहीं है, तो हम भी इसको एज इट इज लिखते हैं, इसका फंक्शन अभी तक कोई नोन नहीं है। ठीक है, तो ये तीन एंजाइम बनेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक एक्टिविटीज से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम परमीएज तो इंक्रीज, परमीएज ने लैक्टोज को अंदर लाने का काम किया, ठीक है, बट परमीएज बनाने के लिए भी तो स्टार्टिंग में हमें लैक्टोज ही चाहिए था, तभी तो पूरा सिस्टम जो था ऑन था, पूरा सिस्टम जो था इस टाइम पे स्विच ऑन है, राइट। तो अगर ये स्विच ऑन हुआ होगा कभी, तभी जा कर के तो वाई जो है एक्टिव हुआ होगा, तब परमीएज बना होगा और परमीएज ने ही उसको इनिशिएट किया होगा कि लैक्टोज अंदर आए। ठीक, तो बेसिकली जब परमीएज का हमने फंक्शन लेना है तो पहले परमीएज हमें बनाना पड़ेगा, इसका फंक्शन अगर हमें लेना है तो हमें परमीएज बनाना पड़ेगा, इसका मतलब लैक्टोज आना चाहिए पहले से अंदर। तो फर्स्ट टाइम लैक्टोज एंटर कैसे हुआ, फर्स्ट टाइम एंटर होगा तभी पूरा सिस्टम ऑन होगा और फिर मोर जो है पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, परमीएज ज़्यादा बनेगा। तो बेसिकली हम बोल तो देते हैं कि यहाँ पर सब कुछ जो है वो आपका बंद है, ठीक है, बट यहाँ पर कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनका एक्सप्रेशन कंटिन्यू रहता है, इनको हम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन भी बोल देते हैं, लेकिन ये लो अमाउंट में क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट जीन, होम जीन बोल देते हैं इनको, ये कंटिन्यू एक्टिव रहते हैं। लैक वाइज इन थोड़े अमाउंट में हमेशा रहता है, मतलब इसका एक्सप्रेशन क्या है, लीकी एक्सप्रेशन है, जिसकी वजह से इनिशियली थोड़ा थोड़ा लैक्टोज एंट्री करता रहता है, और जब थोड़ा थोड़ा लैक्टोज एंट्री करेगा, क्योंकि परमीएज बनता रहता है और थोड़ा थोड़ा लैक्टोज अंदर आता रहता है, तो जब थोड़ा थोड़ा लैक्टोज अंदर आएगा उसके बाद मिलेगी पॉजिटिव फीडबैक कि थोड़े लैक्टोज से अब ज़्यादा लैक्टोज को अंदर लेकर के आना है, तब ये पूरा सिस्टम होगा एक्टिव, तब हम बोलेंगे इसको स्विच ऑन। इस तरीके से प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे लैक्टोज के सम टाइम कुछ जीन एक्टिव होते हैं और कुछ जीन इनएक्टिव होते हैं, इसी से लैकोपेरोन चलता है। लैक्टोज अगर एब्सेंट है तो आपका लैकोपेरोन ऑफ रहेगा, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम के अंदर तो आपका लैकोपेरोन ऑन हो जाएगा। अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट है तो पहले ग्लूकोज को कंज्यूम किया जाएगा, उस टाइम पर लैकोपेरोन को ऑफ रखा जाता है, लेकिन जब ग्लूकोज कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है बाय इकोलाई तो लैकोपेरोन को ऑन कर दिया जाता है, ताकि लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाया जा सके। तो यहां पर आपके पास फिगर में भी ये चीज समझाई गई है कि अगर लैकोपेरोन यानी कि इंड्यूसर जो है, जब लैक्टोज, इंड्यूसर का मतलब क्या है, लैक्टोज जब ये एब्सेंट है तो उस कंडीशन में जो आई जीन है वो रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, फिर रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन प्रमोट ऑपरेटर से आकर के बाइंड हो जाएगी, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ नहीं जुड़ पाएगा और इन जीन का एक्सप्रेशन रुक जाएगा। लेकिन सेकेंड केस में क्या है, जब इंड्यूसर प्रेजेंट है, इंड्यूसर में अगेन क्या आ सकता है, या तो लैक्टोज या फिर एलो लैक्टोज,
एलो लैक्टोज, ग्लूकोज नहीं होगा इंड्यूसर, ठीक है, सिर्फ ये दो होंगे। तो अगर ये है तो सेम रिप्रेसर एमआरएनए बना, रिप्रेसर एमआरएनए के साथ अब की बार इंड्यूसर जुड़ गया है यानी लैक्टोज ऐड हो गया है, जिसकी वजह से रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो गई है। अब वो जाकर के ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो सकती, और जब ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होगी तो ये तीनों जीन का एक्सप्रेशन ऑन हो जाएगा, इससे बनेगा लैक एमआरएनए और लैक्टोज एमआरएनए, और इससे तीन डिफरेंट काइंड के एंजाइम बनेंगे जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक टेक्निक। और पॉलीसिस्ट्रोनिक वे से क्या बन जाएगा, पॉलीसिस्ट्रोनिक तीनों एंजाइम बनेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज तोड़ेगा लैक्टोज को, किस किस में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। और जो परमिएज होता है वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है परमिएबिलिटी को, परमिएबिलिटी ऑफ सेल, इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ सेल। तो ये था पूरा कंसेप्ट, ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन अभी पता नहीं है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से कुछ और कंसेप्ट भी रहेंगे, अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसका टोटली इंग्लिश वर्जन भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी उसका, वो अगर आपको सिर्फ इंग्लिश में समझना है तो आप वहाँ से जा करके समझ सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स को हिंदी में समझना है वो यहाँ से समझ सकते हैं। मैंने इसकी दोनों वीडियो अपलोड की हैं टेलीग्राम पर, मैं आपको और भी बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगी। तो बेसिकली आप मेरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं टेलीग्राम का, उस चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। और अगर अभी मैं और भी बहुत सारे चैप्टर आपके लिए लेकर के आ रही हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं अपना पूरा सिलेबस जो है आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो है शॉर्ट टॉपिक रहते हैं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आते तो मैं इनको डिटेल में अलग से समझा रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।